चलो रोल। वेट वेट वेट, हेलो मैम, हाउ आर यू? फाइन थैंक यू। कैसे मैम आप? बढ़िया बढ़िया। निमरित मैम काफी अच्छा गेम खेल रहे हैं मैम, क्या कुछ कहेंगे थोड़ा बहुत? आई थिंक शी इज रॉकिंग, मतलब शी इज प्लेइंग अ फैबुलस गेम एंड शी इज इमर्जिंग आउट एज अ क्लियर कट विनर। आपको कितना अच्छा लग रहा है, लाइक टीवी पे देख रहे हो लड़ाई झगड़ा होता है? आई थिंक वो गेम का फॉर्मेट ही ऐसा है, बट एज लॉन्ग एज वो अपना बेस्ट दे रही है और वो रियल है और वो सब लोगों को पसंद आ रही है, सो आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ हर। आई थिंक लाइक आई सेड, ये गेम का फॉर्मेट ही है कि सब लोग झगड़ रहे हैं, सब लोग फिर एक दूसरे के लिए खड़े भी हैं और एक दूसरे को प्यार भी दे रहे हैं, सो ठीक है थोड़ी देर के लिए बुरा लगता है बट फिर उसका स्माइलिंग फेस देख के आई थिंक इट्स एवरीथिंग नॉर्मल। सोशल मीडिया पर किसके बारे में बात करें? हाँ जी, उनके लिए है बहुत अच्छी फ्रेंड है। आई हैव नो आइडिया, फ्रेंड और वो कोस्टार ही रहे हैं, बट कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा वाइल्ड लाइफ के बारे में आई हैव नो आइडिया अबाउट। थैंक यू मैम। आ जाइए आ जाइए, हाँ निकलिए निकलिए मैम, आप निकल जाइए। मैम व्हाट यू टू से अबाउट निमरित जी का जो अचीवमेंट हुआ इतनी कम उम्र में इतना अचीव किया, पहले बात कितना प्राउड फील करती एज अ मदर? एब्सोल्युटली आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर ऑफ हर एंटायर जर्नी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी फैमिली में हमें ज़रूरी था कि वो अपनी पढ़ाई ख़त्म करे, शी इज़ प्रोफेशनली क्वालिफाइड, उसने 5 साल की लॉ की पढ़ाई करी, उसके बाद हमने उसको शी हैड द करेज एंड कन्विक्शन टू फॉलो हर ड्रीम्स, दैट इज़ वॉट वी आर प्राउड ऑफ द फैक्ट कि वो मिस इंडिया में गई, वो मिस इंडिया मणिपुर बनी, शी वॉज इन टॉप 12, उसके बाद उसने बी पराग का म्यूज़िक वीडियो किया, कुछ एक दो और म्यूज़िक वीडियोज़ करे, मॉडलिंग करी एंड फाइनली उसकी जो कॉलिंग थी दैट उसको लगता था कि शी इज़ मेंट फॉर बिगर थिंग्स इन लाइफ, शी क्लियरली वुड लुक इन टू माई आईज एंड से मामा जस्ट लेट मी गो, आई नो आई विल डू यू प्राउड। तो ये बात हमारी कन्वर्जेशन तब हुई जब वो मुंबई आ रही थी एंड एज अ फैमिली वी हैव सपोर्टेड हर टू फॉलो हर ड्रीम्स, टू फॉलो हर पैशन एंड विद गॉड्स ग्रेस शी इज डन अस प्राउड, वेदर इट वॉज द सक्सेस ऑफ छोटी सदानी, वेदर इट इज़ वॉट द लव एंड लव शी इज़ गेटिंग इन बिग बॉस एंड ट्रूली ट्रूली फील ब्लेस्ड कि हम उसके पेरेंट्स हैं एंड शी इज डन अस प्राउड। तो बचपन ऐसी क्या क्वालिटी थी जो आपको लगती थी कि इसमें सेलिब्रिटी बनने की क्वालिटी है, अट्रैक्ट करती थी लोगों को, या फिर व्हाट वाज द क्वालिटी विच? आई थिंक सबसे बड़ी क्वालिटी निमरित की है उसका कॉन्फिडेंस एंड द बिलीफ इन हरसेल्फ, सो और वो एक लीडरशिप उसके जीन्स में है, बिलीव यू मी, वेदर इट वॉज स्कूल वेदर इट वॉज कॉलेज, शी कांट बी अ पार्ट ऑफ द क्राउड, यू नो शी वुड ऑलवेज स्टैंड आउट, उसकी पूरी पर्सनैलिटी ऐसे है कि ओपिनियनेटेड है, स्ट्रॉन्ग है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वो हर एक्सपीरियंस लाइफ में इंजॉय करना चाहती है, तो स्कूल लाइफ से उसने इतने कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेना, डिबेट, डेक्लेमेशन, पोइट्री रेसिटेशन, ड्रामेटिक्स, स्पोर्ट्स में सिंगिंग, डांसिंग, समटाइम लाइफ हस्बैंड वॉज टू जोक यू नो कि ये क्लास में स्कूल में पढ़ने जाती कि ये सब कुछ करने चाहती है, बट ऑल दोज थिंग्स यू नो काइंड ऑफ बिकेम पार्ट ऑफ अवर पर्सनैलिटी, तो वो हर एक चीज़ को जो इन्जॉय करती है लाइफ में, यू नो यू कैन सी इट, शी इज़ अ वेरी फन लविंग पर्सन, सो आई थिंक दैट इज़ अ बिगेस्ट स्ट्रेंथ कि वो हर जर्नी को अपना बेस्ट देती है एंड शी इन्जॉयज़ दैट जर्नी। And when she is facing the mental health issues, तो वो किस तरह से कोप करती हैं और आप कितना कोऑपरेट करती हैं, हाउ डू यू मेक हर अंडरस्टैंड अबाउट ऑल दिस थिंग्स, आई मीन आप कैसे डील करती हो सिचुएशन को? देखिए आज की डेट में द परसेंटेज ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ इश्यूज हैज़ रिजन इन दिस कंट्री एंड बींग एन एजुकेशनिस्ट माई सेल्फ, मैं बच्चों को मिलती हूँ और टीनएजर्स के साथ रहती हूँ काफ़ी टाइम, तो मुझे एक शिफ्ट दिख रही है सोसाइटी में कि बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं एंड आई थिंक दिस जनरेशन हैज़ द करेज टू एड्रेस इट, वो हमारी जनरेशन में नहीं था, वेयर इट यूज़ टू बी कंसिडर्ड अ टैबू एंड नोबडी वुड टॉक अबाउट इट, बट आज की जनरेशन अवेयरनेस कह लीजिए सोशल मीडिया पे कि सब लोग उस चीज़ को एड्रेस कर रहे हैं
एंड आई थिंक निमृत ने जब ये बात ओपन आउट करी अबाउट अ मेंटल हेल्थ, इट वॉज वो उसकी फिजिकल हेल्थ पे आ रहा था. तो व्हेन शी वेंट फॉर अ रूटीन डॉक्टर्स चेकअप, द डॉक्टर रिकमेंडेड दैट यू नीड टू यू नो डिस्कस दिस विद अ साइकेट्रिस्ट, बिकॉज उन्होंने जो उसके सिम्टम्स देखे तो उनको लगा. सो इट वॉजेंट कि हमें लगा शी इज सफरिंग फ्रॉम अ मेंटल हेल्थ इशू, इट्स जस्ट दैट कि जब वो रूटीन चेकअप के लिए गई तो डॉक्टर फेल्ट कि यू नो शी नीड्स टू एड्रेस इट. So, but we have been, as a family, we are a very progressive family. हमें नहीं लगता कि कुछ चीज़ को सच को सच कहने में और एडमिट करने में एक करेज चाहिए. Despite the fact people will be judgmental, especially in this profession. But she was very clear. She's kind of, you know, we have evolved with her. She was very clear कि अगर एक दीपिका पादुकोण जैसे एक्ट्रेस भी ओपन में आकर इस बात को एड्रेस कर सकती है, मूवीज़ बन रही है, यू नो, और इसको हम अंडर द रैप्स क्यों रखें? और क्या पता मेरे बोलने से बहुत लोग इससे रिलेट करेंगे और ओपन में आएंगे. सो एज अ फैमिली वी हैव ऑलवेज सपोर्टेड हर. एक जब सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, कोई एक इंसान चाहिए होता है जो आपको हियर आउट कर सके, राइट? एंड दैट्स वॉट आई थिंक उसको उस टाइम पे मिस कर रही थी जब वो कॉन्फेशन रूम में गए. उसको लगा कि यू हैव टू रीच आउट टू पीपल टू हेल्प यू आउट. सो शी वॉज बींग वेरी ऑनेस्ट कि मेरे को ये लग रहा है, क्लॉस्ट्रोफोबिक लग रहा है, एंड शी रीच्ड आउट. दैट्स द फर्स्ट थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड. सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर दैट शी इज़ हैंडल्ड इट ब्यूटिफुली. एंड द बेस्ट पार्ट इज उसके कारण वो रुकी नहीं है. वो लाइफ में एक्सपेरिमेंट्स करती जा रही है, एक्सपीरियंसिस लेती जा रही है, काम करती जा रही है, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ कॉन्स्टेंट फेज. ये फेज हर एक की लाइफ में कभी ना कभी आता है और यू हैव टू बाउंस बैक. दैट्स व्हाट ह्यूमैनिटी इज ऑल अबाउट एंड दैट्स व्हाट शी इज डूइंग. सो आई एम प्राउड ऑफ हर. लास्टली आस्किंग, आप कितना फील करते हैं कितना स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है विनर के लिए, और जितने भी और भी कंटेस्टेंट हैं उनमें से कौन आपको लगता है कि एक कंटेंडर के तौर पे एक विनर क्वालिटीज रखता है? देखिए, निमृत डेफिनेटली इज अ विनर फॉर मी, नॉट बिकॉज शी इज माई डॉटर, बिकॉज आई फील शी इज अ होलसम पैकेज. यू नो, उसने सब शेड्स दिखाए, उसके अंदर जो शेड्स हैं वो रियलिटी में वो वैसी ही है. स्ट्रांग है, ओपिनियनेटेड है, दोस्ती निभा रही है, घर के हर टास्क में पार्टिसिपेट कर रही है, सिंपैथेटिक है, एम्पैथेटिक है, कंपैशनेट है, वो सब उसमें वो क्वालिटीज़ हैं जो एक विनर में होनी चाहिए. बाकी सब लोगों को मैं पर्सनली नहीं जानती, और यहाँ पे इस घर में डायनामिक्स चेंज होते हैं, हर सिचुएशन को कौन कैसे हैंडल करता है, इवेंचुअली इट विल डिपेंड अपॉन दैट. Thank you so much. You mentioned about Deepika's, that was very right. I mean, right now she is doing a lot for the people who are fat. Yes, it actually was, Nimrit was inspired by that. Sure, I mean. And off the record, I will like to say ki is industry mein kitne logon ne suffer kiya hai. Millions. Thank you. Last.